देहरादून के सचिवालय में इन्वेस्टर्स समिट से संबंधित अनुमोदित नई नीतियों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में सचिवालय में इन्वेस्टर्स समिट की नई नीतियों की पुस्तकों का विमोचन किया गया और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार की तैयारियों के होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद रहे, जहां उन्होंने नीतियों से होने वाले लाभ को बताया। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट में इन्वेस्ट का आंकड़ा 74,000 करोड़ रुपए बताया है। जब हम पूरे देश में रोड शोज के लिए घूमे, हमको उद्योग जगत के द्वारा और तमाम राज्यों की जो नीतियां हैं उनको भी अध्ययन करने का मौका मिला। उन सब का अनुभव लेकर के और ये 9 पॉलिसी हमने इस बीच में बनाई हैं। ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, आज ऑर्गेनिक की वो लोग जा रहे हैं और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने फूड प्रोसेसिंग में, ऑर्गेनिक में, एरोमा में, हर्ब्स में बहुत रुचि दिखाई है। और जो हमारा आयुष है उसको लेकर भारत से बाहर बहुत आकर्षण है।